Hello friends, this is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम बहुत यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं. हम ओल्ड क्लॉथ से पॉट बनाएंगे पीओपी के साथ. और उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो है एक कोई भी पुराना कपड़ा, कैसा भी आप ले सकते हो. थिक कपड़ा हो तो भी चलेगा, आप नॉर्मल कपड़ा हो तो भी चलेगा. ये मैंने शर्ट का कॉटन का कपड़ा लिया है. और इसके साथ हमें न्यूज़पेपर चाहिए, कैसे कटिंग करनी है उसके लिए. और साथ में हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़रूरत पड़ेगी और खाली कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी. उसके साथ साथ हमें कुछ भी पुराना और ऐसा इस तरीके का हमें कुछ बड़ा साइज़ का ऐसा डिब्बा चाहिए होगा, जिसके ऊपर हम उल्टा करेंगे जब हम इसको कोट करेंगे पीओपी को पीओपी से. तो और हमें सीज़र चाहिए होगी. और उसके बाद हमें कलर करना है. कलर करने में के लिए हमें ब्लैक लिया है, गोल्ड लिया है, और एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी बहुत देर नहीं करते, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने क्लॉथ को राउंड शेप में कटिंग करनी होगी. वो कैसे करनी है आपको मैं बताती हूँ. ये जैसे हमारा ये स्क्वायर न्यूज़पेपर है, ये स्क्वायर पीस है हमारे पास, और इसको हमें ट्रायंगल फोल्ड करना है. तो ये देखिए कुछ ऐसे, ये हमने ट्रायंगल फोल्ड किया. उसके बाद हमें फिर एक बार और ट्रायंगुलर फोल्ड करना है. ये हमने दूसरी बार ट्रायंगुलर फोल्ड किया, फिर एक बार हमें फिर इसको एक बार ट्रायंगुलर फोल्ड करना है. तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से पेपर आ जाएगा. तो यहाँ पर तो ये बंद है, ये देखिए, और यहाँ पर खुला हुआ है. ये हमारी खुली हुई साइड जो है ये लंबी होती है, तो इसलिए हमें ये जो है कॉर्नर यहाँ से लेते हुए हमें यहाँ तक सेम कटिंग करनी है. तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. और यहाँ से हम काटते हुए दूसरी तरफ आएंगे, और ये कुछ हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा पेपर. तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से सेम हो गया. और इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ राउंड शेप में हमें मिल जाएगा पेपर. इसी तरीके से हमें कपड़े की भी कटिंग करनी है. ये देखिए, कपड़े का भी इसी तरीके से हम ट्रायंगल फोल्ड करेंगे. इसको हम ट्रायंगुलर फोल्ड करते हैं. ट्रायंगुलर फोल्ड करने के बाद एक बार और ट्रायंगुलर फोल्ड किया, फिर तीसरी बार अच्छे से हमें फोल्ड करना है. एक बार और हम ट्रायंगुलर इसको फोल्ड करेंगे, और लास्ट टाइम करेंगे. और ये ओपन पोर्शन से हमें काटना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर इसी तरीके से हमें यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे राउंड कट कर देना है. ये देखिए कुछ ऐसे हमें, ये हमारा कोन तैयार हो गया. और इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास राउंड पीस जो है वो हमारे पास मिल गया. तो अभी हमें ये हमारा क्लॉथ रेडी हो गया. तो अभी हमें पीओपी का लोशन तैयार करना है. तो उसके लिए हमें एक खाली कंटेनर लेना होगा, और उसमें हम हमारे कपड़े के अकॉर्डिंगली हम पानी इसमें ऐड करेंगे. इसका मेजरमेंट लेते हैं हम. हमने ये हाफ
कप जो है इसमें पानी का ऐड किया। अभी पानी ऐड करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ऐड करना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें इस तरीके से ऐड करना है जब तक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में अपने आप घुलता रहता है तब तक हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें डालते रहेंगे। तो ये देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ, तो ये हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें डालते जाएंगे और ये अपने आप डिसॉल्व होता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, तो ये अपने आप घुलता जाएगा। हमें उतना डालना है जितना ये स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको हिलाकर इस तरीके से हमें हिलाते जाना है और ये अपने आप पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस डिसॉल्व हो गया। थोड़ा सा और ऐड करेंगे, इसको फिर घोलेंगे। तो ये हमारा कुछ बैठना शुरू हो गया, तब हम इसको थोड़ा हिलाकर देखते हैं। अभी थोड़ा और जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से पैनकेक की तरह बैटर जो है हमारा रेडी हो गया। ये जब बैटर हमारा रेडी हो जाता है तब हमें जो कंटेनर हमने खाली रखा है उसको लेना है। ये थोड़ा मैसी प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये हमें यहाँ पर खाली कंटेनर रखा, ये हमारा क्योंकि छोटा है इसलिए एक और डिब्बा रखते हैं। तो और फिर इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन रखेंगे, ये हम एक पॉलीथीन इसके ऊपर चढ़ा दिया ताकि ये हमारा जो पीओपी है वो चिपके नहीं। और ये हमें पहले रेडी कर लेना है, उसके बाद ही हमें कपड़े को पीओपी में डिप करना है। तो ये हमारा रेडी हो गया, जिस पे हम उल्टा करेंगे कपड़े को, और फिर इसके बाद हम ये अपना लोशन लेंगे और इसमें हम धीरे धीरे करके कपड़ा जो है हमारा कपड़ा जो कटिंग करके रखा है इसको ओपन करते हुए हम अच्छे से कोट करेंगे। इसको अच्छे से कोट करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपको अगर थिक लगे प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगे कि बहुत पतला हो गया है तो आप थोड़ा और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें ऐड करके आप लोशन को बराबर कर सकते हो। ये देखिए इसको अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, हमें इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग जो है वो कपड़े के ऊपर करनी है। तो फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से हमारा कोट हो जाता है उसके बाद हमें देखना है कि पूरा हमारा क्लॉथ जो है वो अच्छे से कोट हो गया है कि नहीं पीओपी से। वो मेन है, वो ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब अच्छे से कोट हो जाएगा तो हमारा हार्ड बनेगा पॉट, अदरवाइज हमारा पॉट जो है वो इतना हार्ड नहीं बनेगा। इसीलिए अच्छे से हमें कोटिंग जो है वो पीओपी की कर देनी है क्लॉथ के ऊपर, और उसके बाद कोट हो जाने के बाद हमें इसको धीरे से उठाना है और सेंटर में रखते हुए हमें इसको, ये देखिए
सेंटर में रखते हुए हमें इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, हमें इस तरीके से एडजस्ट कर देना है अच्छे से। अगर इससे भी बड़ा होता कंटेनर तो और भी अच्छा होता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया है। और इसके बाद हमें एक कोई भी छोटा ढक्कन लेना है और वो यहाँ पर रखना है। ये हमारा स्टैंड का काम करेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा पीओपी का मिक्सचर जो है वो भी इसके ऊपर पोर कर देना है। इसको अच्छे से धीरे धीरे करके हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोट अच्छे से कर देना है, ताकि जब हमारा पॉट रेडी हो जाए तो वो स्टेबल रहे, वो अच्छे से खड़ा हो सके। इस हमें सेंटर में रखते हुए इसको इसी तरीके से कोट कर देना है पीओपी से। और जो हमारा बचा हुआ लोशन है वो भी इसके ऊपर ही धीरे धीरे करके पोर कर देना है, ताकि हमारा पॉट जो है वो बहुत अच्छे से स्टिफ बने और अच्छे से उसकी लुक जो है वो भी बहुत ही अच्छी आए। ये हमारा पॉट जो है वो 24 आवर्स हमें इसी तरीके से रखना है, और एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो नेक्स्ट डे हमें इसको उठाकर देखिए, तो हम नेक्स्ट डे हमें 24 आवर्स के बाद ही इसको देखना है। तो फिर 24 आवर्स के बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे और अंदर से जो पॉलीथीन है और जो डिब्बा रखा है वो निकाल देंगे, और हमारा पॉट जो है वो रेडी हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूख जाने के बाद हमारा पॉट जो है वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। बहुत ही सुंदर और अच्छी शेप आती है पॉट की। और ये पीछे हमने जैसे वो डिब्बे का ढक्कन लगाया था, तो उससे ये खड़े होने में भी इजी है, आराम से खड़ा हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ से हमने निकाल लेना है प्लास्टिक का, और जो डिब्बा है वो सब निकाल लेना है, और हमारा पॉट रेडी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है, हमें फेविकॉल और पानी का घोल बनाना है। ये हमने फेविकॉल वाइट ग्लू, हाफ वाइट ग्लू, हाफ पानी का वाटर का मिक्सचर हमें बनाना है, और उसके बाद हमें इसको कोट कर देना है। तो ये हमने कोट करके रखा हुआ है। इस तरीके से आपको सारा पॉट को कवर कर देना है फेविकॉल और पानी के मिक्सचर से, और क्योंकि जिस ये कोट हो जाने के बाद हम इजीली यहाँ पर कलर लगा सकते हैं, वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा और उसकी शाइनिंग भी आएगी। तो अभी हम नेक्स्ट, ये देखिए इस सारे पॉट पर हमने फेविकॉल का घोल लगाया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इसके कलर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कलरिंग का है। कलरिंग के लिए हमने ये ब्लैक कलर लिया है, ऑयल पेंट है ये, और साथ में हम हाईलाइट के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये गोल्ड डस्ट है, गोल्ड डस्ट का हम यूज़ करेंगे, और साथ में हमें इसमें थिनर के साथ इसको हाईलाइटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक से इसको कोट करते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, हमें इसे अच्छे से ब्लैक कलर से कोट कर देना है। हमने फेविकॉल का इसमें कोट किया हुआ है, इसलिए ये अब्सॉर्ब भी बहुत नहीं करेगा कलर को, और बहुत अच्छी स्मूथनेस आएगी, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए बिल्कुल शाइनिंग आ रही है हमारे कलर में, और ये अच्छे से हमें पूरे पॉट को कोट कर देना है ब्लैक कलर से। तो ये देखिए कुछ ऐसे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से ब्लैक कलर से कोट कर देना है पूरे पॉट को।
मैंने एक करके रखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का कोट किया हुआ एक और मैंने पॉट रखा है बनाकर। ये देखिए कितना सुंदर हमारा पॉट जो है वो रेडी हो जाता है। और शाइनिंग देखिए, इसमें शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। और ये फ्रेंड्स, आराम से इसके नीचे हमने जो ढक्कन लगाया है उससे आराम से स्टेबल हो जाता है। और ये मैंने जानकर आपको दिखाने के लिए पूरा कलर नहीं किया, इसलिए क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हमने ये फैब्रिकॉल और पानी के मिक्सचर से कोट किया था और अंदर हमने नहीं किया था। और यहाँ पर ये देखिए शाइनिंग कलर की कितनी अच्छी आती है। और बिना कोट किए फैब्रिकॉल का अगर मिक्सचर हम कोट नहीं करेंगे तो हमारा कलर जो है उसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल डल फिनिश है और इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, ऑब्जॉर्ब बहुत करता है। तो आपको पहले तो वो फेविकॉल को कोट करना ही है और फिर उसके बाद ही कलर आपको लगाना है। तो अभी हम हाईलाइट करके आपको बताएंगे। तो हाईलाइट करने के लिए हमें गोल्ड डस्ट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गोल्ड डस्ट और ये थिनर है। तो इन दोनों की मदद से हम कलर करेंगे। ये आपको मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए हमें थोड़ा सा गोल्ड डस्ट लेना है पैलेट पे और फिर हल्का थिनर ऐड करेंगे और हमारा गोल्ड कलर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हमें हल्का हल्का थोड़ा टचिंग देते हुए पूरे पॉट को कोट कर देना है हाइलाइटेड। ये देखिए हमारा पॉट जो है वो कितना अच्छा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये ब्लैक कलर में कितना अच्छा एकदम एंटीक लुक आएगी हमारे पॉट की। इस तरीके से गोल्ड कलर लेते हुए ये हमारा बिल्कुल ड्राई है कलर, उसके बाद ही हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी हाईलाइट कर देना है पूरे पॉट को और हमारा एंटीक लुक वाला पॉट रेडी हो जाएगा विद इन नो टाइम। एक पुराने कपड़े से हमने कैसे अच्छा और स्मार्ट पॉट रेडी करके रख दिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छा है और हम थोड़ा नीचे भी इसको शाइनिंग दे देते हैं। बहुत इजी है हमें इसको बनाना। ऐसे ही हमने, ये हमारा ब्लैक कलर का है, इसी तरीके से हमने ये ब्राउन कलर का भी रेडी किया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। तो ये कुछ हमारा ब्राउन कलर का इफेक्ट जो है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्राउन कलर का पॉट है तो उसका इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जस्ट टच करके आपको उठा लेना है हाथ।
ये कुछ इस तरीके से हमारा ब्राउन कलर का पॉट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये पॉट पसंद आए होंगे और आपको नया आइडिया लगा होगा और आप घर पर ज़रूर ट्राई करोगे। और अभी मैं आपको इसका अरेंजमेंट दिखाती हूँ अपने घर पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर पॉट जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इनका अरेंजमेंट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पॉट्स अरेंज करके रखे हैं, कितने बहुत ही सुंदर और आर्टिस्टिक लुक दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लोज़अप करके बताती हूँ इनका। बहुत ही इजी वे है इनको बनाना और बहुत ही आर्टिस्टिक लुक देते हैं। तो ये देखिए आप, इनका लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनको अरेंज करके मैंने रखा है, 3 से 4 पॉट बनाए हैं तो उनको इकट्ठा अरेंज करके रखा है। उनकी लुक जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही आर्टिस्टिक दिखाई दे रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आए होंगे और आप ज़रूर इनको ट्राई करोगे। Yeah.